अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान पलवशा सईद। ख्वाब से ताबीर तक के सफ़र और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के एक बहुत ही स्पेशल स्टार इजहारुल्लाह मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 88 और KP में 8th पोजिशन हासिल की है और उनकी एलोकेशन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आइए इजहार से उनकी कामयाबी के सफर की कुछ रुदात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजहार। वालेकुम सलाम। इजहार, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। आपने माशाल्लाह से CSS 2022 का एग्ज़ाम पास किया, एलोकेशन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई, तो जिस ग्रुप में आपकी एलोकेशन हुई आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आपकी प्रेफरेंस का ग्रुप था? जी मैम, मैं ग्रुप से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि एक्चुअली मैंने टॉप पे रखा हुआ था DMG ग्रुप, फिर सेकंड पे मैं था मेरा पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एंड थर्ड पे फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को इसलिए मैं टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रख पाया था क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं उसके लिए, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह का होना ज़रूरी है एंड हमारे गाँव वाले इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन, गाँव वाले बैकग्राउंड में इस चीज़ को बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि फॉरेन सर्विसेज में भी हम जा सकते हैं, इस वजह से थर्ड प्रायोरिटी पे रखा था एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट कि आई विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट मल्टीपल लेवल्स। तो बड़ी बात है। माशाल्लाह, KPK में आप दीद से बिलोंग करते हैं, तो इजहार अपनी थोड़ी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं और फिर ग्रेजुएशन तक जो है वो। जी मैम, मैम मेरी इब्तदाई जो तालीम थी वो हुई थी फरहान पब्लिक हाई स्कूल चकदरा से, और जहाँ पर मेरी 8th क्लास तक मेरी तालीम उधर हुई थी एंड आई वॉज द टॉपर थ्रू आउट। फिर उसके बाद 8th क्लास में मैंने पूरे पाकिस्तान लेवल पे कैडेट कॉलेजेस के लिए जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं मैं उधर चला गया, तो कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज सवाबी, जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल थे ब्रिगेडियर फ़कीर रियाज यूनिस एंड एजुटेंट मेजर सईद, जिनके साथ हमारी इब्तिदा हुई थी। तो 5 साल कैडेट कॉलेज में मैंने गुजारे एंड वहाँ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एक्चुअल में, क्योंकि जो ट्रेनिंग मेरी हुई है एंड जिस लेवल पर मुझे तरबियत मिली है उस हर एक चीज़ में उस कैडेट कॉलेज का सबसे बड़ा किरदार है। फिर कैडेट कॉलेज करने के बाद कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, कुछ फाइनेंशियल मसाइल थे, कुछ और रीजंस थे एंड उससे थोड़ा सा पहले 2011 में जब मैं कैडेट कॉलेज ज्वाइन कर रहा था तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी एंड फिर कैडेट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, कैडेट कॉलेज जब ख़त्म हुआ उसके बाद मेरे भाई की डेथ हो गई, तो प्रॉब्लम्स जब बढ़ने लगे तो आई हैड टू डिसकंटिन्यू माय एजुकेशन एंड मुझे बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट करना पड़ा अपने गांव के मलाकंड यूनिवर्सिटी से। वो 2 साल मैं तालीम से मुकम्मल डिटैच रहा, मेरे जहन में था ही नहीं कि मैं किसी चीज़ उसके लिए जा रहा हूँ या मैं CSS कर पाऊँगा इस लेवल का, कुछ भी नहीं था इस तरह का जहन में। तो ये था एक ख्वाहिश थी दिल में, कुछ ना कुछ तो करूँ, फिज़िकली मैं अगर ख़ुद को वो रिकग्नाइज करवा सकता हूँ, पूरी प्रूफ करवा सकता हूँ पूरी दुनिया के सामने, तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों के साथ ये भी शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, फिजिकली रिकग्नाइज कराने की आपने बात की है, तो देखने वालों के साथ वो भी शेयर करें। जी जी, असल में इस तरह था कि जब ये बैचलर लेवल पे मेरी हो गई थी पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट जब मैं कर रहा था, तो मैं मल्टीपल मार्शल आर्ट्स सिबगत, मास्टर सिबगत की जो एकेडमी है मार्शल आर्ट्स की, सर अब्दुल्ला मसूद सर से वहाँ पर हमने ट्रेनिंग ली मार्शल आर्ट्स की, बॉक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल चुका हूँ। फिर उसके बाद आगे जब तालीम बढ़ी तो मुझे ये पता चला कि 4th ईयर में मेरी पोजीशन आई थी मलाकंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, 3rd पोजीशन मेरी आई थी पूरी यूनिवर्सिटी में एंड मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उस टाइम मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुका था। जब उसके बाद मैं तालीम के लिहाज से जब चला गया उधर मास्टर करने के लिए नंबल यूनिवर्सिटी, तो नंबल यूनिवर्सिटी में ये था मैं रेसलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मेरा ये CSS क्लियर हुआ तो उसका सपना भी पूरा हुआ। CSS का सपना पूरा होने के साथ साथ मेरा दूसरा सपना ये था कि मैं रेसलिंग में नेशनल लेवल पर जा सकूँ एंड नेशनल लेवल में 66 सीनियर नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 में मैंने शिरकत की एंड वहाँ पर मेरी 3rd पोजीशन आई थी। जी मैम, माशाल्लाह। इजहार, थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, वालदा का तो आपने जिक्र किया कि उनकी वफ़ात हो गई, वालिद के बारे में बताइए, बहन भाइयों के बारे में बताइए। मैम, इस तरह है कि मेरे फादर हैं वो हकीम हैं एंड मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ गुजारी हैं जिनको बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे फादर पहले ट्रक ड्राइवर थे, फिर उसके बाद उनके एजुकेशन जिस तरह का मेरा सीन था, मैं 2 साल एजुकेशन से डिटैच रहा था, उनको डिटैच रहना पड़ा तकरीबन कोई 10 सालों के लिए एंड वो जब डिटैच रहे तब भी वो स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये था कि वो हिकमत पर फोकस कर सके, हकीम बनना इट्स समथिंग, हम डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं लेकिन हिकमत के पेशे को इतनी इज्जत की निगाह से नहीं देते हैं। तो मेरे अब्बू ने उस पेशे को चुना एंड उस पेशे को चुनने के साथ साथ उन्होंने ये किया कि जितना कुछ भी उनसे हो सकता था लोगों की खिदमत करना, मदद करना, वो करते रहे। बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया कि मेरे जो बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम 6 भाई बहन हैं,
और मेरे जो बड़े भाई हैं अपने अब्बू की काविश और मेहनतों की वजह से उन्होंने सपोर्ट किया हर एक लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, उन्होंने पैसे मांगे, कभी मना नहीं किया, क्योंकि हमारा विलेज का बैकग्राउंड है, हम सपोर्ट किया नहीं जाता। वो कहते हैं कि लाइक अगर आप तालीम हासिल नहीं कर सकते तो बस आप जाके सऊदी अरब चले जाए या कहीं और चले जाए, फॉरेन कंट्री जाके आप पैसा कमाए सिर्फ। अब्बू ने कहा मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। 2011 के बाद वो कम्प्लीटली हमें सपोर्ट करते रहे। मेरे बड़े भाई को उन्होंने भेजा, अताउल्ला जिनका नाम है, चाइना उनको भेजा, चाइना से उन्होंने मेडिकल किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पीएमडीसी के दोनों स्टेप्स उन्होंने क्लियर किए हुए एंड एफसीपीएस जो स्पेशलाइजेशन का एग्जाम है उन्होंने वो भी क्लियर किया हुआ है। दूसरे जो मेरे भाई है समीउल्लाह जिनका नाम है, वो हिकमत के पेशे से मुंसलिक हैं एंड साथ साथ बिजनेस भी वो करते हैं। तीसरे जो मेरे भाई है वो किडनी प्रॉब्लम की वजह से, उनकी जब शादी हो गई थी तो शादी के तकरीबन 10वें दिन उनकी डेथ हो गई थी और वो एक ट्रेजेडी से कम नहीं था। तो मल्टीपल चीज़ों से गुजरने के बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। अक्सर मैं लोगों के सामने बयान करता हूँ कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म ये था कि आपको पता ही होता है मुआशरा कुछ ऐसा है कि जब आप पे कोई चीज़ आ जाती है तो आपको लोगों के रियल फेसेस पता चलना नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो ये चीज़ है, मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है। अगर आपको कोई वो करे ना, कोई आपको क्रिटिसाइज करे कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो आपको उसे एक सबक लेना चाहिए। आपको उस चीज़ को ना एक 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 पैशन के तौर पर आप उसको, अगर आपको कह रहा है आप नहीं कर सकते, आप उनके सामने करके दिखाओ। ठीक है, जो कह रहे हैं कि नहीं कर सकते उनके लिए चैलेंज बना लिया, चैलेंज बना। तो मैंने ये किया कि भाई की जब डेथ हो गई, फिर आपको पता ही है कि पठान मुआशरे में और भी सारे मसले होते हैं। उसके बाद मेरी बहन थी, उसकी फिर शादी होगी, मेरी जो सिस्टर है उसकी तालीम मास्टर है और वो मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज़ कर चुकी हैं एंड शी इज़ मैरिड। और फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं एंड छोटे भाई जो है वो उधर पढ़ते हैं कि अभी पिशौर मॉडल डिग्री कॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टॉपर है लेवल के। फिर उसके बाद ये जो मेरे अबू ने फिर दूसरी शादी की थी, 2011 में ही उनकी शादी हो गई थी। दूसरी अम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो आपको मतलब पता लग ही रहा होगा क्योंकि थोड़े से मसले बन जाते हैं बंदे के लिए। तो ये था कि अभी जो मेरे दो छोटे भाई बहन हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छे से, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम सवेर है। अच्छा, तो ये मैम सारा फैमिली बैकग्राउंड से। ठीक है, अच्छा इजहार, जैसे आपने जिक्र किया कि फाइनेंशियल इश्यूज भी कुछ थे, फिर वालदा की वफ़ात भी हो गई, भाई की वफ़ात भी हो गई, वैसे भी लोगों से बहुत एक क्रिटिसिज्म जो है वो आपने कहा कि उसका सामना करना पड़ा जी, इन सारे हालात के बावजूद किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि नहीं मैंने CSS भी करना है? और मतलब मोटिवेशन क्या, एक तो ठीक है मोटिवेशन थी कि लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे तो आपको लगा था कि नहीं ये चैलेंज है, अब मैंने अपना आप साबित करना है, लेकिन एक मोटिवेशन होती है, कोई रोल मॉडल होता है, कोई इंस्पिरेशन होती है जिसको देख के आपको लगे, तो आपको कहाँ से ख्याल आया CSS का? मैम एक्चुअली वो एक राहगीर एक सिंगर है, तो वो जब भी गाते हैं तो स्टार्ट में वो एक चीज़ को कोट करते हैं, वो कहते हैं हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, जितनी जोर का चांटा उतनी ज़ोर से नाचते हैं। तो बस मेरे साथ कुछ ये सीन था, मुझे सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट किया था मैम, फादर तो ऑब्वियस ही बात है वो मोटिवेट करते थे, फादर के अलावा कोई ऐसी चीज़ मुझे थी नहीं कि मुझे वो मोटिवेट कर सके प्रॉपर तरीके से। उसके दूसरे नंबर पर मैं सबसे ज़्यादा जो शुक्रगुजार हूँ वो हूँ मेरे रेसलिंग के उस्ताद हैं, उनका नाम है कदीर बिटानी और दूसरे हैं राशिद गुजर जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। वो कहते थे इजहार आप पहलवानी करते हो, आपके अंदर एक जज्बा है, लेकिन आप स्टडीज़ में भी इस लेवल के हो, आप कुछ ज़रूर करेंगे। मैं कहता था मैं अखाड़े में जाके, अखाड़े में हम लोग मिट्टी में, हम रुमाली पहन के, बिल्कुल आप प्योरली वो पेंडू सा बंदा लग रहा होता है। तो वो मुझे मोटिवेट करते थे कि इजहार आप करके दिखाएंगे। फिर मैं दंगल मूवी देख रहा था, दंगल मूवी में एक डायलॉग है एंड पे जाके, ये बड़ी एक ड्रामेटिक सी सीन बन गई थी एंड मेरे जहन में ये था कि बस ये चीज़ अल्लाह करे हो जाए तो कभी ये किस्सा किसी के सामने आ जाए तो कोई और भी उसे कोई सबक ले। तो वहाँ पर उसने तीन बातें बताई थी, जो दो बातें थी वो ये थी कि रेसलिंग कोई दंगल नहीं, ये वो खेल है जो आप ज़िंदगी में आप अपने आप से खेलते हैं। दूसरी बात ये थी कि कोई आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। तीसरी बात ये थी कि ज़िंदगी जब आपको पटके तो आप फिर उठ खड़े और ऐसा दांव मारो कि ज़िंदगी चित हो जाए। तो ये दंगल मूवी, मेरे रेसलिंग के उस्ताद और फिर मेरे फादर एंड उसके साथ एक और बंदे का जिक्र करूँगा, मेरे मार्शल आर्ट्स के टीचर हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में वो नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर भी चुके हैं, दाऊद जान उनका नाम है, मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया। अगर ये चंद लोग मेरी ज़िंदगी में ना होते और ये रेसलिंग का सहारा ना होता तो आज मैं इस मकाम पे नहीं पहुंच चुका होता। एंड मैंने डिस्कस तो नहीं किया इस बीच में, म्यूज़िक से मेरा काफ़ी सारा शुगल है। तो ऐसे लोग जो कि मुआशरे के इन सब चीज़ों से गुजर चुके होते हैं, उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, या तो वो जुर्म वाली साइड पर चले जाते हैं, तो मैं उस साइड पर जाना नहीं चाहता था। उस लिहाज से मैं अगर फिज़िकली अपने आप को थोड़ा सा एंगेज रख, जी
काम जी किया आपने? मैं चाहता था कि मेरी एनर्जीज की ट्रांसफॉर्मेशन हो एक किस्म की, तो एनर्जीज को ये किया मैं कि मैं गांव में जाके वहां पर रबाब तबला ये जो बजाते म्यूजिशियन जो होते हैं मैं उनके साथ बैठता था, लिटरली मैंने गाने गाए। खुद भी बजाना आता था या सुनते थे? अब ये मैं थोड़ा सा रबाब को थोड़ा सा मैं बजा लेता हूँ। खालिद भाई हमारे उसके उस्ताद थे, इवन नंबर यूनिवर्सिटी में हम वहाँ पर करते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बैंड है मैं उनके साथ भी बैठा हूँ, गाने में बड़े अच्छे तरीके से गा सकता हूँ। और वो सब कुछ असल में जो एक एक मॉडल जिस पे अप्लाई किया जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मॉडल। बंदे के अंदर फ्रस्ट्रेशन जब आ जाती है वो उसको एग्रेसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता था कि इसको मैं प्रोडक्टिव तरीके से सामने लेकर आऊं और इससे कुछ अच्छा काम मुआशरे के लिए भी हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। तो ये चीज है, प्रोडक्टिविटी आप पे नजर आ रही है, हमारे देखने वालों को भी नजर आ रही होगी, तो मोटिवेशन लेवल मेरा भी बहुत ऊपर चला गया। अब हम आते हैं सीएसएस की जाने। तो सीएसएस का जब आपने स्टार्ट लिया तो किन बेसिस पे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट किया और तैयारी का आगाज कैसे किया? जी मैम, तैयारी का आगाज ये था मैम कि जब मैं वहाँ पर एजुकेशन के लिहाज से जब मैं मास्टर के लिए चला गया दमन यूनिवर्सिटी पेशावर, तो वहाँ पर थ्रू आउट ऑल सेमेस्टर्स मुझे ये था मैं डिटैच रह चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पर हमारे टीचर थे सर अरफान, तो सर अरफान कहते थे कि इजहार आपकी राइटिंग में वो दम है कि आप कुछ भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, क्यों ना आप सीएसएस के लिए चले जाए। मैं कहता था सर नहीं, मैं सीएसएस के लेवल का तो नहीं हूँ। खैर जब ये 2021 की बात है, सॉरी 2020 जब कोविड का वो सीन स्टार्ट हुआ था, मैं ऑनलाइन कुछ सोर्सेज से थोड़ा बहुत पढ़ गया, मैं सीएसएस एग्ज़ाम देने के लिए चला गया। लेकिन ये था मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि यार ये जो कुछ भी करना है नहीं, इसके बारे में सोचना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके कौन से होंगे, कंपलसरी कौन से, क्या कुछ होगा ऑप्शनल के लिए। ये एक चीज़ मेरे जहन में थी फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, शायद वो मेरी गलती भी थी, जो कुछ भी हो, लेकिन ये था मैं सिर्फ और सिर्फ इस फियर को मैं फेस करना चाहता था कि ये डर है क्या चीज़। मैं डर से तो एक दफ़ा गुजरूँ, हमारे कैंडिडेट्स का मसला सबसे ज़्यादा यही होता है वो इस डर को फेस नहीं करते, असल में तैयारी 7 साल 8 साल कर लेते हैं तो डर को फेस नहीं करते, इस वजह से नाकाम हो जाते फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैं उस डर को फेस करना चाहता था। जब मैं वहाँ पर तैयारी करनी शुरू कर दी, सर से किसी से भी नहीं पूछा था मैंने, खुद से पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर एंड पश्तो लिटरेचर, इन सब्जेक्ट्स को मैंने चुना फर्स्ट अटैम्प्ट में। एंड थोड़ी बहुत स्टडी करके जब मैंने ये सब्जेक्ट्स चुने एंड मैं एग्ज़ाम के लिए चला गया, तो एग्ज़ाम के दौरान भी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यार इस हार ये तो मतलब गलती की आपने, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ आ जाते तो शायद आप सीएसएस को क्लियर कर पाते। उस टाइम कोई उस्ताद मेरा था नहीं प्रॉपर तरीके से, सर सईद अरफान के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे गाइड किया था बहुत अच्छे तरीके से उस सेंस में, एंड थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन ऑप्शनल प्योरली मैंने खुद से ही सेलेक्ट किए हुए थे। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पूरे पाकिस्तान में एसए टॉप किया था। ठीक है, तो सर ने मुझे बताया अगर आप एसए सबसे मुश्किल है ऐसे में आपके 52 मार्क्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि करंट अफेयर्स बाकी सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाते हैं, तो ये क्या सीन है। ऑप्शन भी मेरे सारे के सारे पास हो गए थे, लेकिन ये था कि अगर 33 पे पास है तो बस मेरे किसी पेपर में 40 मार्क्स आया 41 मार्क्स आया, ये सीन मेरे साथ हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट की, सेकंड अटैम्प्ट की जब मैंने प्रॉपर तैयारी शुरू कर दी मुझे एक मोटिवेशन मिली। मैं उस दौरान मैं एमफिल के लिए भी चला गया ये पिशावर यूनिवर्सिटी, मेरी उधर एडमिशन हो भी गई, लेकिन एमफिल में सर अरफान ने मुझे बताया कि आप एमफिल करेंगे, एमफिल तो आप सीएसएस के बाद भी कर सकते हो, आप इस तरह करें आप सेकंड अटैम्प्ट की तैयारी करें। यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर मैं दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ पीएचए फ्लैट्स में, फैसल जिहान, अदनान और जाहिद भाई, वो उन्होंने कहा आप हमारे साथ फ्लैट में रहेंगे, यहाँ पर हम तैयारी करेंगे। एकेडमीज़ का सच, क्योंकि मैं फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस से गुजर रहा था, सो मैं उस लेवल के अफोर्ड नहीं कर सकता था एकेडमीज़ को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं यहाँ पर ननोआ एकेडमी आया, ना सीएसपी, मतलब किसी भी एकेडमी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब एकेडमीज़ को तो ज्वाइन नहीं किया, फिर ये था कि उनसे थोड़ा सा ना, अब एकेडमी का कोई बंदा आ जाता मैं उनसे पूछ लेता था यार पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स कैसे होते हैं, ये क्रिमिनोलॉजी अटैम्प्ट कैसे करना है, ये चीज़ कैसे करनी है। आखिरी जो टाइम था एक महीना जब रहता था, उस लिहाज से ये था कि 6 महीने फिर मैंने प्रॉपर तैयारी की। आखिरी महीना 2022 में जब हमारा एग्ज़ाम होना था तो वो तकरीबन रमज़ान के बाद हुआ था। पूरा रमज़ान मैंने ये किया था, सुबह टाइम 3 घंटे एक पेपर मैं सॉल्व करता था एंड दोपहर के बाद एक पेपर मैं सॉल्व करता था। ऑप्शनल जितने भी मेरे थे उनको मैंने चेंज नहीं किया, चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे सारे पास हो गए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑलरेडी, बस उनको थोड़ा इंप्रूव किया, सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव करना था उनको। एंड मैंने फोकस स्पेसिफिकली किया था कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे कि मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ। ठीक है, तो बस इसी सीन के साथ फिर मैं चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई कर। अच्छा इजहार, आपने ना इस्लामिक हिस्ट्री ऑप्ट किया है, बाकी तो जो क्रिमिनोलॉजी, जनरल स्टडीज, पश्तो, पॉलिटिकल साइंस है, मोस्टली लोग इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, लेकिन इस्लामिक
हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आपका बैकग्राउंड भी नहीं है इस सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट को आपने कैसे ऑप्ट किया और फिर इस सब्जेक्ट में 72 मार्क्स भी दे रही है माशाल्लाह, तो इस सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, ये थोड़ा बताएं। जी मैम, मैम इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर इसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है एंड काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी था कि आप इसको ऑप्ट ना करें, लेकिन ये है मैम, मैं अक्सर उनके साथ एक बातचीत डिस्कस करता था, मैं उनसे कहता था कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, बाकी किसी को पसंद हो या ना हो, वो तो आपको तो पसंद होती है ना, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है एंड पसंद के लिए कोई ख़ास वजह होती नहीं है। अब ये है कि इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर मुझे थोड़ी सी अच्छी इसलिए लगती थी क्योंकि मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड यूनाइटेड स्टेट्स यूएस हिस्ट्री का, ब्रिटिश हिस्ट्री का, यूरोपियन हिस्ट्री को, उसको मैं प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं कर पा सकता था, इस वजह से मैंने कहा कि इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर थोड़ा बहुत टच हमारे पठानों का ज़्यादा उस चीज़ के साथ होता है। लेकिन जब मैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर बुक को जब मैं पढ़ने लगा तो मैंने कहा यार ये तो सारी चीज़ें अजीब सी हैं, अब इसके साथ क्या कुछ करना होगा। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए इस दफ़ा मेरी स्ट्रेटजी ये थी, इस दफ़ा आई गेस के 2023 का मैं सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर हूँ इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का, स्ट्रेटजी मेरी यही थी, मैंने कहा इस सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट एक बुक का रेफरेंस होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे तो मैंने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर को इस पर्सपेक्टिव से तैयार किया था, अगर मैं अब्बासिड किसी एरा को मैं तैयार कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ये जो बनु उमैया है उस एरा को मैं तैयार कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर ऑटोमन जो एम्पायर है उसको अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड एक किताब में वहाँ पर ज़रूर प्रोड्यूस करता था, वहाँ पर उसकी समरी मैंने पढ़ी होती थी, तो वहाँ पर उस रेफरेंस को सामने रखे एंड सर्टन कोटेशंस को सामने रखे मैंने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर को अटेम्प्ट किया था पेपर को। आई बिलीव कि अगर पेपर में आपका कंटेंट ज़्यादा होता है, कंटेंट अच्छा होता है, क्वालिटी वाला कंटेंट होता है, देन आपकी क्वांटिटी अच्छे तरीके से, वो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, असल में वहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन में यही टेक्निक मैंने अडॉप्ट किया था कि मैं हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेज, ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस ऐड कर सकूँ ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये जो कुछ लिख रहा है रेलेवेंट लिख रहा है, यही स्ट्रेटजी। अच्छा इजहार, आपकी ये जो स्ट्रेटजी थी ये बहुत अच्छी थी कि बुक्स का रेफरेंस हो, कोटेशंस हो, ये सब चीज़ें हों, तो ये कंटेंट आपने इकट्ठा कहाँ से किया, मतलब कौन से सोर्सेज थे जहाँ से आपने अपना इस्लामिक हिस्ट्री भी और बाकी सब्जेक्ट के भी रेफरेंसेज वगैरह और ये सब चीज़ें इकट्ठी? मैम अगर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के अलावा जिस भी सब्जेक्ट की बात कीजिए, हर एक सब्जेक्ट में मैंने इसी चीज़ पर फोकस किया था, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट से मुझे ये पता चला था जब मैंने 52 स्कोर आया, मैंने उस टाइम अटैम्प्ट किया था जेंडर इक्वालिटी और पॉपुलर स्लोगन वाले उसको, ऐसे को मैंने अटैम्प्ट किया था, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से ऐसे के स्ट्रक्चर को तो नहीं समझता था, लेकिन डेटा मेरे साथ बहुत ज्यादा था, कंटेंट ज्यादा था, मैं टॉप किया था, आपका इतना अच्छा स्कोर आया, 52 मेरा स्कोर आया था ऐसे, तो मैंने कहा ये सारा सीन कंटेंट प्रोड्यूस करें, आप कंटेंट अच्छे तरीके से कर लो ये हो जाएगा। तो फिर मैंने ये किया कि हर एक सब्जेक्ट में बीएड पाकिस्तान अफेयर्स, बीएड करंट अफेयर्स, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान अफेयर्स के अगर किसी सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हम उसको रख लेंगे हाइड्रोपॉलिटिक्स को, या हाइड्रोपॉलिटिक्स चलो इस्लामोफोबिया को मैंने रखा, इस्लामोफोबिया अगर उसको मैं तैयार कर रहा हूँ तो वहाँ पर जाके मैं तीन चीज़ें देखता था, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और इसका करंट ट्रेंड में क्या कुछ चल रहा है। अब हिस्ट्री को करने के लिए वो तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड, अब इस्लामोफोबिया है फॉर एग्जांपल तो उसके लिए आपको वो किताब ज़रूर देखनी पड़ेगी, एडवर्ड सीड की ओरिएंटलिज्म वाली बुक ज़रूर देखनी पड़ेगी, उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाय सैमुअल पी हंटिंगटन देखनी पड़ेगी। ये जो डेटा था ये मैंने प्योरली नेट से कलेक्ट किया था, लाइक मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ से लोग ये डेटा उठा लेते हैं, लेकिन आई बिलीव मार्केट्स में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं एग्जामिनर को पता होता है कौन से बुक्स अवेलेबल हैं। असल में ये जो एग्जाम होते हैं मैम, आई बिलीव कि ये आपकी यूनिकनेस, आपकी इंडिविजुअलिटी का होता है, आप कितने इंडिविजुअल तरीके से वहाँ पर आप कैसे खुद को दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, उस चीज़ के लिए मैंने ये किया था। हर एक टॉपिक पर मैंने एटलीस्ट 2-3 किताबों के हवाले तैयार किए थे एंड उसको प्रॉपर तरीके से रट्टा लगाया था। अब ये भी सही बात है मैम कि हर एक किताब को तो बंदा पढ़ नहीं सकता, बिल्कुल 12 सब्जेक्ट अगर आपने तैयार करने तो आप हर एक किताब को पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 12 सब्जेक्ट ये तैयार करने, अगर हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 और फिर हर एक टॉपिक के लिए आप तैयार कर रहे हैं, ये तो 50-60 किताबों से आगे की बात चली जाती है। मैं उसकी समरीज पढ़ लेता था ताकि क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंस उसकी बनी रहे, रेलेवेंस करके फिर उसी चीज़ को मैं पेपर में प्रोड्यूस करता था। तो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पश्तो लिटरेचर, हर एक पेपर में मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ प्रोड्यूस करूँ डाटा जो कि मैंने नेट से खुद ही कलेक्ट किया हुआ था। नेट से कलेक्ट किया हुआ था। ये बहुत अच्छी टिप्स हैं और मेरे ख्याल में जितने भी सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत यूजफुल होंगी। आपने उसमें पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बता दिया है, इसमें अपने पेपर की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी उसके बारे में भी बता दिया है और ये बहुत यूजफुल है नो डाउट।
कंपलसरी सब्जेक्ट्स की जानब आते हैं, जैसे जीएसए है, उसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर है, एसए में भी फिर आपने और एपीएससी में भी अच्छा स्कोर लिया हुआ है, तो क्या करते थे? लाइक कहा जाता है कि एसए और एपीएससी में पास होने के लिए, वैसे ओवरऑल बीसीएसएस को इंग्लिश का एग्जाम समझा जाता है, तो आपने क्या काम किया इस पर? लाइक वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, और न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, अपनी क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स कैसे इम्प्रूव किए? जी मैम, ये जो कंपलसरी जितने भी सब्जेक्ट्स है, एसए, प्रेसे, इस्लामिक स्टडीज़ और बाकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी, अगर मैं एक सच्ची बात बताऊं तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि मैं लिटरेचर का बंदा हूँ, थोड़ा सा थियोरेटिकल हूँ, और वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल सी चीज़ें होती थी, मैथमेटिक्स को अगर 40 नंबर का वो करना था, तो मैंने ज़्यादातर वहाँ पर फोकस किया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, एमसीक्यूज़ पर किया था एंड उसके जनरल साइंस वाले पोर्शन पर किया था, कि जितना मेरा स्कोर आया है वो एमसीक्यूज़ एंड जनरल साइंस वाले पोर्शन, तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैथमेटिक्स पोर्शन में मैं ठीक नहीं था, तो जो मतलब मैथमेटिक्स में जो ठीक होते, अब मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा ज़रूर कि वो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पर अगर वो करे, थोड़ा फोकस करें, तो वो इजीली इस पेपर में 80 प्लस पी स्कोर कर सकते हैं। फिर दूसरी स्ट्रेटजी ऐसे के हवाले से, ऐसे के हवाले से मैं ये कहूंगा कि ऐसे जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी थी वो ये थी, मैंने जो अटेम्प्ट किए थे एसेस, तकरीबन कोई 4-5 एसेस मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उनके अलावा मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 पेजेस खुद से लिखता था। क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं आप, क्रिएटिविटी जी मैम, अब लोग ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी किस, तो क्रिएटिविटी मैम ये तो नहीं है कि लाइक आपके जहन में, आप शायर हैं तो आपके जहन में कोई चीज़ें आ रही है, आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, नहीं मैम, मैं जाके डॉन न्यूज़पेपर निकाल के उसका कोई भी आर्टिकल पढ़ के, उसको 1 दफ़ा पढ़ के, 2 दफ़ा पढ़ के, उसे डाटा एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर तरीके से, फिर उसको बंद करके मैं अपने अल्फाज में उसको क्या करता था, लिख लेते, मेरे साथ बहुत सारे पेजेस उसके पड़े हुए, या मैं व्हाट्सएप पे अपने उस पे स्टेटस पे मैं डाल लेता था कि ये मेरी एनालिसिस है उस चीज़ के रिलेटेड। तो होता क्या है कि ऐसे में आई बिलीव मेरे मुताबिक 2 चीज़ें होती हैं मैम, एक आपका कंटेंट होता है, दूसरा आपका होता है मैच्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपका कंटेंट ठीक है एंड मैच्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन में आपका स्ट्रक्चर, आप इंट्रो कैसे बनाते हो एंड उसके अलावा आपके आउटलाइन कैसे होते हैं, आप बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे बनाते हो, आप उसको कंक्लूड कैसे करते हैं, अब ये तो चीज़ एक खूबसूरती आपने बना ली है, एक रेलेवेंस उसमें आ गया, लेकिन इस रेलेवेंस के साथ साथ उसमें चाहिए होते कॉन्टेंट। अगर कॉन्टेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, अब आप अगर आप ऐसे लिख रही है, मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप जिस तरीके से वो ऐसे लिख रही है, मेरा ऐसे, तो कंटेंट हमारा सेम, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, एंड स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सल एक्चुअली, कंटेंट वही चीज़ है जो कि डिस्टिंग्विश करती है। अब इस दफ़ा जो मेरा ऐसा था कंट्रोवर्शियल इशूज ऑफ फेमिनिज्म, एंड पिछली दफ़ा जो ऐसे था जेंडर इक्वालिटी और पॉपुलर स्लोगन, दोनों जेंडर से ही रिलेटेड थे, मैंने पूरे 10 साल के एसेस को एनालाइज किया था एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि हर साल किसी न किसी पर्सपेक्टिव से जेंडर पे किसी न किसी पर्सपेक्टिव, जिस तरह इस दफा आया था 2023 वाला बॉयज विल बी बॉयज, अब उसको भी आप जेंडर पर्सपेक्टिव पे डील कर सकते थे, लेकिन उसको करने के लिए बंदे के पास कंटेंट का होना जरूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो स्पेसिफिक एरियाज तैयार किए थे, जेंडर तैयार किया था, लेकिन जेंडर हर एक एस्पेक्ट से, बी एट कंट्रोवर्शियल इशूज ऑफ फेमिनिज्म, बी एट जेंडर इक्वलिटी ऑफ पॉपुलर स्लोगन, या वुमेन एम्पावरमेंट, जो कुछ भी हो उसको मैंने प्रॉपर तरीके। दूसरा जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था वो इस्लामोफोबिया का था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ऐसे आया, मैंने उसको ऐसे उल्टा किया हुआ था, मैं रब से दुआ कर रहा था या अल्लाह इसमें जेंडर रिलेटेड या इस्लामोफोबिया रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ मौजूद हो, क्योंकि मेरी एनालिसिस यही थी मैम। अब जाहिर सी बात है मैम, ऐसे में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कॉन्टेंट हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इकट्ठा करें, इट्स इम्पॉसिबल मैम। ना आप ऐसा कर सकते कि आप 50-60 एसेज आप लिखेंगे, एसेज आप लिखेंगे 5-6 एसेज आप लिखें, मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूंगा 5-6 एसेज प्रॉपर तरीके से लिखें एंड पे जाके, लेकिन उससे पहले उनकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिटन प्रैक्टिस होगी प्लस अपने लिए कंटेंट इकट्ठा करें, लेकिन कंटेंट इकट्ठा किन चीज़ों के लिए करना है, वही जो आपके 2 या 3 स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, जिस तरह मैंने जेंडर पे कलेक्ट किया था, इस्लामोफोबिया, अब इस्लामोफोबिया टेररिज्म भी आ सकता है, ओरिएंटलिज्म भी आ सकता है, उसके हर एक पर्सपेक्टिव को फिर देखना होता है। फिर उसके बाद इकोनॉमी पर मैंने प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को, सेकेंड अटैम्प्ट के लिए मैंने वो डाटा कलेक्ट किया हुआ था, एंड डेमोक्रेसी, ये 4 प्रॉपर हो गए सेकेंड अटैम्प्ट के लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ जेंडर एंड इस्लामोफोबिया भी इकट्ठा किया। ये मेरा ऐसे के हवाले से मेरी टेक्निक थी, मैं रिटन प्रैक्टिस, बाद में कंटेंट और उसके अलावा ये सारा सीन था। फिर उसके अलावा प्रेसे के लिए ये था कि मैं वो जो मार्केट में एक बुक अवेलेबल है, करीमदाद चुगताई की है, आई गेस प्रेसे एंड कंपोजिशन की वो किताब है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए उठाई थी क्योंकि वहाँ पर 1979 से ऑनवर्ड जितने पेपर है सारे के सारे पड़े हुए। अब मैं इंग्लिश लिटरेचर का बंदा हूँ, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी जो एग्जाम मेरा हुआ था उसमें मेरे 34 मार्क्स आए थे प्रेसे में, ऐसे मेरा टॉप था, प्रेसे मेरे फेल हो गया था, लोग हंस रहे थे आप इंग्लिश के बंदे आप फेल कर गए प्रेसे को, तो प्रेसे इस दफ़ा टेक्निक मेरी ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसे अटैम्प्ट करूँ, तो मैं
डेली बेसिस पे 30 डेज तक मेरी यही प्रैक्टिस थी। सुबह टाइम उठ के तो मैं 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक पेपर सॉल्व करता था ताकि प्रेसे मेरा सिर्फ और सिर्फ पास हो जाए। प्रेसे के लिए यही प्रेस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस मैम। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे, जितना भी प्रैक्टिस बंदा करता है प्रेसे में आप एक्सेल करते जाते हैं। एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे, अभी जो 40 मेरे आए हैं सिर्फ और सिर्फ पास हुए। अगर मैं सिर्फ एमसीक्यूज पे एंड थोड़ा सा पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह पे फोकस करता रिटन स्किल्स के अलावा, तो आई बिलीव कि 60-70 तक भी अच्छा खासा स्कोर चला जाता। तो इजहार, अब इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी डेडिकेशन जो आपकी इस पूरे जर्नी में रही वो कैसी थी? मतलब लोग ऐसे होते हैं कि जैसे रिटन प्रैक्टिस के हवाले से आपने कहा कि आप डेली प्रेसे को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली अपना वो राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वो इतनी कंसिस्टेंसी कहाँ से आई? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना बंदा कि बीच में छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, तो वो नहीं हुआ आपका? मैम असल में ये है कि मैं एक चीज़, आप बैकग्राउंड में तो ऑलरेडी बता दिया कि मैं म्यूज़िक ज़्यादातर सुनता हूँ, तो वहाँ पर मुझे उस चीज़ से एक मोटिवेशन मिल जाती। जिस तरह एक शेर है कि वो बांगी दरा में टीपू सुल्तान अपने बेटे को जो नसीहत करते हैं, वो कहते हैं तुरह नवर्दी शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो मखमल न कर कबूल। अब ये है मैम कि मैं उसी स्ट्रेटेजी पर चलते हुए एक और जगह पर एक कोटेशन जॉन मिल्टन से उठाई हुई है, अन इंडिवरिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द कर्व ऑफ जॉय। जब आपको पता चलता है कि ये सफरिंग ख़त्म नहीं हो रही है एंड इस सफरिंग से मुझे निकलना है। अभी तो मैं जहन में ये लाता था कि यार इजहार आपके साथ ना एक दो गोल्स में रखता था, एक शॉर्ट टर्म गोल होता था, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल ये होता था मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए, ये था कि आज अगर मैंने 6 घंटे की स्टडी की और इस चीज़ को मैंने अचीव कर लिया तो बाद में जाके ना एंड पे जाके शाम को मैं बर्गर खाऊंगा। ये मेरी मोटिवेशन होती थी मैम, एंड हर एक स्टूडेंट को ऐसी मोटिवेशन चाहिए होती है। उसके बाद मैं ये कहता था मैं फला मूवी देखूंगा, उसके बाद मैं ये कहता था मैं फला, हर एक दिन मेरी मोटिवेशन डिफरेंट होती थी। और फिर लॉन्ग टर्म में तो गोल यही था कि सीएसएस को पास करना है, सीएसएस को पास करेंगे तो ये सारी की सारी ट्रबल खत्म हो। इस तरीके से मैंने खुद को कंसिस्टेंट रखा प्रॉपर तरीके से। तो रेसलिंग भी आपने खेली माशाल्लाह, सीएसएस भी पास किया, आपके अंदर एक और स्किल भी मुझे नजर आ रही है और वो ये कि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। जी अच्छा इजहार, अब आते हैं आपके इंटरव्यू की जानिब। रिटर्न के हवाले से आपने बहुत सी यूजफुल स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर किए हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैम इंटरव्यू के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नोवा एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी इंटरव्यू के लिए, एंड सबसे पहली दफ़ा मेरी जो इंटरेक्शन हुई थी, मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, यहाँ पर पैनल बैठा हुआ था फारूक साहब, आई गेस मुझे जो 3 पैनलिस्ट बैठे उनके जो उनके नाम प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। तो मैं जब यहाँ पर आया, मैं गांव का बंदा, मैंने कपड़े पहने, सबसे पहला जो इंप्रेशन आपका होता है ना मैम वो नोवा ने मेरा ठीक कराया। मैं कपड़ों में आया, फिर ऊपर वेस्ट कोट पहना हुआ है, मूंछें थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है, दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई है। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो एक परफॉर्मा हमें दिया जाता है फिल करने के लिए, उसको देखा तो पैनल वाले, ये नोवा के जो पैनल बैठा हुआ था, मुझे कह रहे बेटा आप में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आप ऑफिसर बन सको। अब मैंने जब ये बात सुनी तो मैं तो मतलब गुस्सा भी हुआ, लेकिन ये उन्होंने सबसे अच्छी बात की थी। अच्छी बात इसलिए की थी क्योंकि मुझे रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे कि बेटा आप कुछ ऐसा करो कि आप ऑफिसर तो लोगे एटलीस्ट। एंड वो मेरी गलती थी, मैं ड्रेसिंग पे प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाया। फारूक का, आई गेस सर फारूक ही उनका नाम है, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस चीज़ का एहसास करवाया था। दूसरी बात ये थी, सर अली खान एंड सर फरीद के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी, तो सर फरीद ने मुझे बताया था कि बेटा आप नॉलेज बेस्ड, आपको कोई भी पैनलिस्ट आपको वो नहीं कर सकता, फेल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आँख में एक ये मसला है। यहाँ से सारे के सारे टिप्स, लाइक मैं अपने जो देखने वाले उनको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप फोकस करें अपने ड्रेसिंग वगैरह पे फोकस करें, ये तो जो एक्सटर्नल चीज़ है। इंटरनल जो चीज़ है जो आप डिस्कस करते हैं वहाँ पर, वो ये होता है कि पैनलिस्ट को सिर्फ और सिर्फ जो उसने पूछा है ना उस चीज़ से रिलेटेड जवाब दें, ये ना करें कि आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करें। सर फरीद मुझे बता रहे थे कि बेटा आप में सब कुछ ठीक है लेकिन आपने उस्ताद नहीं बनना उठे, अगर आप उस्ताद बनने की कोशिश करेंगे ना तो मसला करेगा। एंड एक आप अपने अंदर से एग्रेशन निकाल, ये सारे वही टिप्स है, टिप्स है असल में, ये जो टिप्स बंदा फॉलो करते हैं कि आपने एग्रेसिव नहीं होना, आपने उस्ताद नहीं बनना, आपने अपने ड्रेसिंग पे प्रॉपर तरीके से फोकस करनी है। प्लस एक और चीज़ जो कि मुझे सर अली ने समझाई थी, सर अली ने मुझे कहा था कि बेटा जब आपसे वो पूछे क्वेश्चन का, आप उसका इंतज़ार करें कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फिर आपकी जब बारी आ जाए ना तो आप शॉर्टकट फॉर्म में उसको बताएं। अगर आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बोलेंगे ना, हद से ज़्यादा, जो कि मेरी थोड़ी सी आदत है क्योंकि बचपन से बंदा जिन हादसात से गुजरा होता है उसके साथ ये आदत होती है। तो सर ने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, वो था वर्बल डायरिया, कि इससे हो जाते हैं वर्बल डायरिया, और जब वर्बल डायरिया हो जाते तो फिर अगले बंदे को ना बहुत वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आपने उस पैनलिस्ट को कन्फ्यूज़ नहीं कराना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से प्रिपरेशन हुई थी, एंड जब मैं वहाँ पर चला गया ये पैनल वालों के सामने, तो पैनल वाले लिटरल अंदाज में सही तरीके से ग्रिल करते हैं। ऊपर से मेरा था भी लिटरेचर, साथ में मार्शल आर्ट्स का भी सीन था, रेसलिंग का भी था,
तो सबसे पहला क्वेश्चन ने पूछा कि मार्शल आर्ट्स, रेसलिंग और ये सारे, ये मतलब सब कुछ कहाँ से आ गया। तो फिर मैंने उसी तरीके से डिस्कशन उनके साथ स्टार्ट की। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, लेकिन एंड पे सजेशन यही है कि एग्रेशन को थोड़ा सा वो काबू में रखें, बाकी चीज़ है अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, बाकी ये है कि जो चीज़ आपसे वो पूछे तो प्रॉपर दलील के साथ उनके साथ डिस्कशन करें। एंड एक और चीज़, प्रेशराइज कभी भी नहीं होना। इंटरव्यू देते समय वहाँ पर एक कैप्टन साहब बैठे हुए थे, उसने मेरे जो फाइल रखा हुआ है उसको पेज को फाड़ा, पीछे फेंक दिया। अब वो एक टेक्निक थी सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए, बट मैंने क्या किया, मैंने खुद को बिल्कुल मतलब मैंने खुद को फील ही नहीं कराया कि आपके साथ कुछ इस तरह का सीन हुआ। बाद में जब मैंने पता किया, जितनी मैंने फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हुए या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सबके साथ ये सीन हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से खुद को कूल एंड काम रखना है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच इजहार, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे देखने वालों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे इजहार उल्ला, जिन्होंने सीएसएस 2022 के इम्तिहान को पास करके फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की है, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 88th और KP में 8th पोजीशन हासिल की है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।